हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान के नापाक प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान में बुला करके और उसको शान शौकत से स्वागत करते हैं, जबकि अजमेर शरीफ के जो एक वरिष्ठ हमारे देशभक्त मुसलमान उसका विरोध करते हैं, हमारी सीमाओं में घुस करके हमारे सैनिकों के शीश काट करके ले जाता है पाकिस्तान, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री लगभग मौन से रहते हैं। हिंदुस्तान की सीमाओं में चीन घुसाता है, लगता है वर्तमान यूपीए सरकार देश को हिफाजत देने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए सरबजीत जैसे हमारे देश के नागरिक की सुरक्षा ये देश के सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। जितनी देश के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है उतनी ही एक आम आदमी की भी सुरक्षा होती है, लेकिन बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं।